आत्मा की खोज, अनंत शक्ति, आनंद और शांति, ईश्वरीय भक्ति के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल से। आपका अपना चैनल गुरु अशोक तिवारी। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय माता की। जय परशुराम। श्री गणेश साय नमः। प्रिय बंधुओं, प्राचीन समय में दो दैत्य बड़े ही प्रतापी हुए हैं, परंतु इनके नाम के बारे में बहुत ही कम लोगों को ज्ञात है। यह दोनों दैत्य आपस में सगे भाई भी थे। बड़े भाई का नाम इलबिल था और छोटे भाई का नाम बातापी था। तो इनमें जो बातापी नाम का छोटा भाई था, इस छोटे भाई को रूप परिवर्तन की विद्या ज्ञात थी। जब जैसी जरूरत पड़ती यह वैसा रूप धारण कर लेता। तो इन्होंने एक बार क्या किया, दोनों भाइयों ने मंत्रणा की। छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से कहा कि भैया चलो आज एक नया खेल खेलते हैं। कौन सा? कि मैं भोजन का रूप धारण कर लेता हूँ और तुम ऋषियों को भोजन के लिए बुलाने जाना, और जब वो यहाँ आ जाएंगे और मुझे भोजन के रूप में ग्रहण कर लेंगे तो तुम ऐसा करना कि मुझे आवाज देना, फिर मैं उन सब का पेट चीर करके बाहर आ जाऊँगा। इस प्रकार से वे सारे के सारे ऋषि मारे जाएंगे। अब इलबिल ने कहा बहुत अच्छा है, ऐसा ही करेंगे। इन ऋषियों को मारने का इससे अच्छा और दूसरा तरीका हो ही नहीं सकता है। तब इलबिल ऋषियों को बुलाने चला गया और इधर बातापी ने बहुत ही सुंदर सुंदर भोजन का स्वरूप धारण कर लिया। ऋषि लोग आ गए, आसन पर बैठ गए और भोजन जीवना प्रारंभ कर दिया। थोड़ी देर में जब ऋषियों ने भोजन कर लिया तब इलबिल ने पूछा, गुरु महाराज आप लोग भोजन कर चुके हो? तो ऋषियों ने कहा हाँ हम भोजन कर चुके हैं। फिर इलबिल बड़े ज़ोर से अपने भाई को आवाज़ देने लगा, हे भाई बातापी अब बाहर आ जाओ, क्योंकि यह सब ऋषि तुम्हें भोजन के रूप में ग्रहण कर चुके हैं। अपने भाई इलबिल की आवाज़ को सुन करके वह बातापी जो था वह ऋषियों का पेट चीर करके बाहर आ गया। सारे के सारे ऋषि मारे गए। फिर तो इलबिल और बातापी का यह खेल चल निकला। वे प्रतिदिन ऐसा ही करते, किसी न किसी ऋषि को पकड़ के लाते और वह ऋषि भोजन करता और इलबिल आवाज़ देता तो बातापी उस ऋषि का पेट चीर करके बाहर आ जाता। बहुत सारे ऋषियों की इस प्रकार से उन्होंने हत्याएं कर दी। अब एक दिन क्या हुआ कि वह इलबिल जो था वो अगस्त मुनि के पास में पहुंच गया। अगस्त मुनि से कहने लगा कि प्रभु पास में ही हमारा आश्रम है और हम अपने पितरों के प्रसन्नता के निमित्त ब्राह्मण भोजन कराना चाहते हैं, आप कृपा करके हमारे यहाँ भोजन ग्रहण करने के लिए चलें। तो अगस्त मुनि जो थे वे सहर्ष तैयार हो गए, अब इलबिल के साथ चल दिए। इलबिल ने उनको एक आसन के ऊपर विराजमान किया और जो भोजन सामग्री थी वह अगस्त मुनि के सामने परोस दी। अगस्त मुनि ने ईश्वर का ध्यान करते हुए और भोजन किया। फिर इलबिल ने पूछा, प्रभु आप भोजन कर चुके? तो अगस्त मुनि ने कहा कि हाँ कर लिया है मैंने भोजन। तब इलबिल बड़े ज़ोर से अपने भाई को आवाज़ देने लगा, भाई बातापी बाहर निकलो, अब यह अगस्त तुम्हें भोजन के रूप में ग्रहण कर चुके हैं। तब अगस्त मुनि हंसते हुए कहने लगे, अरे मूर्ख तेरा भाई तो मेरे पेट में ही भस्म हो गया है,
अब कहाँ से निकलेगा? तू भले ही कितना भी चिल्ला, वो बाहर नहीं आने वाला है। तब इलविल क्रोधित होकर के और ऋषि के ऊपर आक्रमण करने लगा। तब अगस्त मुनि ने क्या किया कि अपनी क्रोध दृष्टि से उस इलविल को भी वहीं भस्म कर दिया। दोनों राक्षस अलग अलग रूप से जो है महाराज अगस्त मुनि के क्रोध का भाजन बने, यानि दोनों को अगस्त मुनि ने अपने क्रोध से भस्म कर दिया। अब इनके और जो साथी सहयोगी दैत्य और राक्षस थे, वे सब अगस्त मुनि से भयभीत होकर के और समुद्र के जल में जाकर के छिप गए। बंधुओं, आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले भाग में नए विषय के साथ उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। जय माता की। जय परशुराम जी की।